हेलो गाइस, वरिष्ठ अभियान में आपका स्वागत है। मैं आपको दोस्त अखिलेश। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एक्चुअल होता क्या है? सपोज जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ओके, तुझे एक ऐसे पॉइंट क्लियर होगा कि हाँ, मुझे अभी ऑब्जेक्ट वेरिएबल ही डिक्लेयर करना है। जैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो एक नॉर्मल वेरिएबल भी होता है, ओके, और एक ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल होगा। तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हाँ, मुझे ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो यहाँ मैंने अपना फाइल डिक्लेयर कर लिया है, तो इसमें देखते हैं। ओके, सपोज एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखना, समझ में आएगा आपको। अभी नॉर्मल मुझे कोई वैल्यू स्टोर करना है, कुछ भी समथिंग। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, लाइक वेरिएबल आई इक्वल टू 10 देते हैं। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, ओके, जिसके अंदर एक एक सिंगल वैल्यू है, ओके, या एक ये समझ लो मुझे सपोज एक लैपटॉप के बारे में बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लैपटॉप के बारे में 5-6 है, लाइक लैपटॉप का कलर है, लैपटॉप का साइज है, लैपटॉप की प्राइस है, ओके। तो हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल, ओके, कि प्राइस तुम्हारा कितना है, सपोज 55,000 है, ओके, एंड कलर कितना है, मीन्स कलर कौन सा है। चलो मैं यहाँ पे ले लिया, सिल्वर कलर है, ओके, एंड वेरिएबल साइज क्या है, साइज में दे दिया, सपोज 14 इंचेस है, ओके, 14 इंचेस है। और भी कुछ प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, लाइक मैं रैम साइज क्या है, ओके, ऐसे लाइक जो भी आपको इसकी डिटेल मालूम पड़ा है, सब अलग अलग वेरिएबल बना के ऐड कर सकते हो। तो मुझे लाइक ये तो हुआ ठीक है, बट ये सारे जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल मुझे एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है। क्योंकि तो सबका डेटा टाइप देखो अलग है, यहाँ पे मान लो इंटीजर है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ओके। तो ये सारे वेरिएबल को हम लोग एक ही वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो उस टाइम मुझे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल की, ओके। अभी हम लोग एक ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, मुझे ये ऑब्जेक्ट ही है, मान लो तो मालूम पड़ गया। अभी तो हम लोग इस पे आते हैं। अभी देखो, एनीथिंग यू कैन सी दिस इज ऑब्जेक्ट, मीन्स अब किसी भी थिंग्स को, या लैपटॉप हो, या मोबाइल हो, या पेन हो, बेंच हो, आपके सामने जो भी दिख रहा है, आप जिसके बारे में कुछ आप बता सकते हो, जिसके बारे में आप कुछ भी पॉइंट डिटेल में दिखा सकते हो, वो ऑब्जेक्ट्स है। वहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ओके। जहां पे भी आपको किसी एक ही थिंग के बारे में बहुत सारा डिटेल देना है, उस टाइम हम लोग को ऑब्जेक्ट जरूरत पड़ेगी। मैं एग्जांपल लेता हूँ, रियल लाइफ में जैसे एक मोबाइल है, ओके, मोबाइल में कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, मॉडल है, साइज है, कलर है, वेट है, सिम है, रेजोल्यूशन है, मतलब इतने सारे प्रॉपर्टी हुआ। अब इतने सारे प्रॉपर्टी मुझे एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है, उस टाइम क्या आएगा, ऑब्जेक्ट्स, ओके। एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लो, मैंने यहाँ पे एक ये लगाया है, जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आईफोन के लिए है, आईफोन में इतने सारे प्रॉपर्टी है, अब इतने सारे प्रॉपर्टी को मैं एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उस टाइम क्या आएगा, हम लोग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, ओके। इसका ये देख लेते हैं कि सिंटेक्स कैसा रहेगा। यहाँ पे दिया कि लाइक लेट, लेट कीवर्ड क्या यूज होगा मैं दिखाऊंगा बाद में। अभी मैं वेयर यूज किया हूँ, हम लोग यहाँ पे लेट भी यूज कर सकते हैं, रिप्लेस ऑफ वेयर हम लोग लेट यूज कर सकते हैं, ओके। इसका बेनिफिट ये है कि ये सेम वेरिएबल ने मैं बाद में वापस डिफाइन नहीं कर सकता। तो लेट एंड कॉन्स्ट का नेक्स्ट एक वीडियो आएगा, आप उसमें उसको नोटिस कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ वेयर यूज कर रहा हूँ, नेक्स्ट में मैं लेट यूज करूंगा यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ पे क्या है, सिंपल देखो, वो ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल टू, मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट्स को वेरिएबल ही बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये मोबाइल वेरिएबल है, इसको बोलो मोबाइल का ऑब्जेक्ट्स है, ओके। बट ऑब्जेक्ट्स कैन कंटेन मेनी वैल्यूज, मीन्स इन सिंगल वेरिएबल यू कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यूज। लाइक यहाँ पे मोबाइल एक वेरिएबल, इसके अंदर कलर, रेजोल्यूशंस, प्राइस, रैम, चार डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है, डिफरेंट डिफरेंट इसकी वैल्यू है। द वैल्यू आर रिटेन एज नेम कोलोन वैल्यू, मीन्स इसके जो कॉम्बिनेशन आएगा, पहले इसकी नेम आएगा लाइक कलर कीवर्ड बोल सकते हो, या इसकी प्रॉपर्टी क्या है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी। इस दोनों का जो सेपरेशन होगा, सेपरेशन किससे होगा, कॉलन से होगा, ओके।
नेम एंड वैल्यू सेपरेटेड बाई अ कॉलन। तो सिंपली देख लो, यहाँ पे एक मोबाइल का मेनी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे ब्लैक है, 6 इंचेस है प्राइस है। ओके, सिंपली अगर यहाँ पे हम लोग कोड में डिफाइन करने जाएंगे तो यहाँ पे कैसे आएगा, मैं लेट यूज करूँ। ओके, लेट मोबाइल इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ध्यान देना कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसके बाद क्या आएगा, लाइक मैंने दे दिया इसका कलर क्या है। ओके, कलर ऐसे आएगा, ठीक है, कलर यहाँ पे दे दिया मैं, लाइक ब्लैक कलर है। ओके, कॉमा सेकेंड प्रॉपर्टी प्राइस, लाइक यहाँ पे 55,000 है। ओके, नेक्स्ट रैम कितना है, रैम दे सकते हो आप 8 GB है ऐसा, ठीक है। ये जो अभी डिक्लेयर हुआ यहाँ पे हुआ क्या, एक सिंगल वेरिएबल मोबाइल है जिसके अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसका सिंटेक्स, इसका ब्लॉक है, इसका एरिया है। इस एरिया के अंदर अब इसका एरिया की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, अगर मुझे कोई और भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया लैपटॉप का, तो फिर वो मालूम पड़े हाँ ये इसका एरिया है, इसका एरिया है, तो कर्ली ब्रैकेट इसका स्टार्ट होगा। यहाँ पे इसका मैं कलर दे सकता हूँ, लाइक कलर इसका सिल्वर है। ओके, एंड प्राइस 98,000 समथिंग। ओके, रैम 12 GB समथिंग मान लो ऐसा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, अभी दो डिफरेंट वेरिएबल है लैपटॉप एंड मोबाइल। ओके, और इसका जो वैल्यू है प्रॉपर्टी वैल्यू सेमी कोलन के थ्रू सेपरेट होकर इस वैल्यू स्टोर हुआ है, मोर देन वन वैल्यू चाहिए यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा आएगा। और वैल्यू डिपेंड करता है, अगर वैल्यू आपका स्ट्रिंग में है तो डबल कोट में आएगा, अदरवाइज डायरेक्ट नंबर आएगा। ओके, ये बात क्लियर हुआ, तो सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ। हाँ, अभी नेक्स्ट क्या है, इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे। दो ऑप्शंस अपने पास है, बाय यूजिंग डॉट या बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, सो लेट्स चेक हाउ कैन वी कैन यूज। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, लाइक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, अभी देखो डॉक्यूमेंट राइट यूज किया मैंने, अभी इसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे लैपटॉप या इसको ले लो लैपटॉप लैपटॉप डॉट, यहाँ पे क्या है कलर, सेव किया इसको, इसको मैं ओपन करता हूँ ऑब्जेक्ट्स ओपन इन फोल्डर, ये मेरा हो रहा ऑब्जेक्ट्स, क्या आ रहा है यहाँ पे भाई, दिस 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 प्रिंटिंग ऑल कोड, ऐसा क्यों आ रहा है, कुछ तो मिसमैच हुआ है भाई, क्या गड़बड़ हुआ है। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट टैग है इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्रिप्ट। ओके, ना भी ठीक है। ओके, यहाँ ब्लैक आया, इसको जूम करता हूँ थोड़ा, देख लो इसको, देख लो ठीक है, ब्लैक आया। अब यहाँ पे देखो, अभी मैं डायरेक्टली डॉट से यूज किया तो भी मेरा डेटा आया, अब इसी को ठीक, मेरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक करता हूँ। ओके, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहां पे मैं दूंगा मोबाइल मोबाइल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में कौन सा प्रॉपर्टी हुआ आएगा, तो भी आपका ऐसे भी आउटपुट आएगा, ठीक है। अगर आपको प्राइस चाहिए तो इसके अंदर प्राइस यूज करो, मीन्स आप डॉट के थ्रू भी यूज कर सकते हो, एंड डायरेक्टली आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो तो भी आप यूज कर सकते हो। आपको जो भी प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी है जैसे यहाँ पे रैम चाहिए मोबाइल का, तो मैं यहाँ क्या पास कर दूंगा रैम, समझ पा रहे हो। ओके, अब मुझे लैपटॉप का रैम चाहिए तो मैं यहाँ पे लैपटॉप को पास करूंगा, फिर लैपटॉप का रैम देगा मुझे, लैपटॉप का रैम कितना है 12 GB, तो यहाँ पे क्या आंसर आया 12 GB, ठीक है। सो सिंपल यूज करने के लिए, बाय यूजिंग डॉट या बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, नाउ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मेथड में क्या होगा, हम लोग इसके अंदर एक फंक्शंस भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए सेम तुम्हारा अपना इसका
प्रॉपर्टी आएगा उसके अंदर फंक्शन कीवर्ड के अंदर कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ पे हम लोग इसमें से क्या क्या रिटर्न करना है उसको यूज कर सकते हैं। मीन्स सो सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पहले देख लो क्या होगा। ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो हैव मेथड्स, ओके। मीन्स हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, मेथड आर एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म एन ऑब्जेक्ट, ओके। एक्शन मीन्स क्या होगा, इसके अंदर हम लोग कुछ तो ऑपरेशन करेंगे, उसको परफॉर्म करेगा। अभी नॉर्मल एक वेरिएबल है, ओके। वेरिएबल में क्या हो रहा था, हम लोग सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। उस फंक्शन के अंदर हम लोग कुछ कैलकुलेशन भी करके उसको रिटर्न करा सकते हैं, ओके। मीन्स उसके अंदर हम लोग कुछ परफॉर्म, नॉर्मल फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस के अंदर हम लोग कुछ भी ऑपरेशन करके उसको रिटर्न कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं, सेम लाइक दैट, ओके। एंड मेथड आर स्टोर इन प्रॉपर्टीज एज ए फंक्शंस डेफिनेशंस लाइक दिस। फंक्शन से हमने की यूज किया एंड डिक्लेयर किया, तो हमने इसको करके देखते हैं एक बार तो मालूम पड़ेगा, ओके। जैसे मान लो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल डिक्लेयर करता हूँ, ऑल डिटेल करके, राइट। ऑल डिटेल किया मैंने यहाँ पे, ओके। अब इससे क्या होगा, अभी यहाँ पे मैंने मुझे सिंगल सिंगल कलर प्राइस रैम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुझे कलर प्राइस रैम सिंगल सिंगल यहाँ पे प्रिंट करना पड़ रहा है कि कलर क्या है और किसका रैम क्या है। अब मैं ऐसा एक कोई एक और प्रॉपर्टी बना दूँ ऑल डिटेल करके, इसके अंदर सारा प्रॉपर्टी दिखा दे। जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ, एक वेरिएबल बनाया मैंने, वेरिएबल कलर इक्वल टू क्या आएगा, दिस डॉट कलर, या इसको कंफ्यूजन ना हो सी डालो, सी है दिस डॉट कलर। दिस कीवर्ड से क्या होगा, दिस कीवर्ड इस मोबाइल का खुद का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब ओनर ऑफ दिस दिस वेरिएबल, तो इसका ओनर है, इसके थ्रू वो इसके प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो सी मीन्स सिंपल सिंपल समझो, दिस मीन्स क्या है, दिस कीवर्ड है, ये क्या करेगा, ये मोबाइल के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसको एक्सेसिबल है, मतलब ये इसका ओनर है, ठीक है। कलर हो गया, और मैंने यहाँ पे वेरिएबल पी इक्वल टू दिस डॉट प्राइस एंड वेरिएबल आर इक्वल टू दिस डॉट रैम, ओके। अब मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, रिटर्न ध्यान देना, रिटर्न में प्लस कोट मारा यहाँ पे, कलर इज, ध्यान देना, अभी मैं यहाँ पे कोलन दिया, अभी कुछ प्रिंट किया नहीं हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे रिटर्न यूज कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, जब मैं इसको यूज करूंगा तो मुझे ए आउटपुट देगा। तो काम करो, यहाँ पे मैं एक और ब्रेक मारता हूँ, ब्रेक मार के यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, लाइक मोबाइल डॉट ऑल डिटेल, क्योंकि इसका नाम क्या है, ऑल डिटेल, तो मैंने यहाँ पे पास किया, और इसका आएगा राउंड ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि फंक्शन है इसलिए राउंड ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे क्या आया, कलर इज। अब देखो, अब मैं मतलब सिंपली क्या, यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे क्या बोला था, मेथड आर एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म एन ऑब्जेक्ट्स, ओके। परफॉर्म ऑब्जेक्ट बताओ, हम लोग ऑब्जेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग कोई ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी ऑपरेशन में कर रहा हूँ कि यहाँ मैंने कुछ वैल्यू गेट किया, यहाँ पे प्रिंट किया, तो यहाँ पे मैं इसको प्लस करूंगा, ठीक है सी है, ओके। एंड इसको थोड़ा और कस्टमाइज करेंगे, कॉमा प्राइस इज प्लस पी, देखो यहाँ समझो, यहाँ पे अभी यहाँ पे ये वैल्यू आया, सी प्रिंट हुआ, ओके। इसके बाद तो कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे कर लो, पहले एक सिंगल सिंगल देखो, ओके ब्लैक आया। अब मुझे एक और चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, एक और प्लस मार के स्पेस करके यहाँ पे बोलूँगा प्राइस, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, पी। इन शॉर्ट क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम लोग फंक्शंस के अंदर कुछ भी कैलकुलेशन करके किसी भी लाइक कस्टमाइज करके उसको प्रिंट कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग फंक्शन उस टाइम पे यूज करेंगे, क्योंकि तो इसका जो प्रॉपर्टी है, एट ए टाइम सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा था, तो हम लोग इसमें कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं, ओके। या एक सिंपल ये भी बोल सकते हो कि टोटल प्राइस, यहाँ कॉमा करो, टोटल प्राइस ऑन क्वांटिटी, या ऐसा करो क्वांटिटी प्राइस, मैंने कैसे फंक्शंस बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्यू पास किया, क्यू फॉर लाइक क्वांटिटी, रिटर्न ध्यान देना, रिटर्न क्यू इनटू
दिस डॉट प्राइस, इसका मतलब क्या होगा? अगर मुझे प्राइस चेक करना है तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, ध्यान देना कि यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं। सो सिंपल, ओके, मैंने यहाँ पे प्राइस ब्रेक किया और यहाँ पे बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट मोबाइल डॉट क्या था, क्वालिटी प्राइस, क्वालिटी प्राइस ब्रैकेट में मैंने 5 पास किया, तो मुझे आउटपुट क्या देगा यहाँ पे, 27,500। मीन्स वो हुआ क्या, ये 5 यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, दिस इंटू मल्टीप्लाई बाई दिस प्राइस। मतलब अगर मुझे ऐसे में प्राइस चेक कर सकता हूँ, मैं 10 पीस का प्राइस चेक करना है तो मैं 10 पीस का प्राइस चेक कर सकता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे 100 का करूँगा, 1,000 का करूँगा, जो भी जाऊँगा उसका प्राइस आएगा। इन शॉर्ट ये पूरा कस्टमाइज हो गया, तो उस टाइम पे हम लोग फंक्शंस यूज कर सकते हैं। ओके, तो सो सिंपल, फंक्शन सो सिंपल है। एंड इन फंक्शंस डेफिनेशन दिस रेफर टू द ओनर ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन अदर वर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द मोबाइल। ओके ओके, एक्सेस एन ऑब्जेक्ट मेथड विद द ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम राउंड ब्रैकेट, मतलब इसको हम लोग यूज कैसे कर रहे थे, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो मेथड का नाम है एंड राउंड ब्रैकेट है। ओके, तो सो सिंपल, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मेथड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ डिफरेंट टॉपिक, तब तक के लिए कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।